बच्चों, स्टैंडर्ड 3 मैथ्स यूनिट नंबर 9 हाउ मेनी टाइम्स, यानी कितनी बार। बच्चों ये यूनिट हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था और हमने इससे पहले हाउ मेनी टाइम्स 2 यानी 2 बार कोई भी चीज को दो बार लेते हैं तो ये हमने देखा था। फिर उसके बाद जंप विथ मी यानी जो जंप लेते थे, यानी हम अभी 0 नंबर पर और फर्स्ट जंप में 3 नंबर जाएंगे। उसके बाद फिर यानी कि जो जंप लेता है वो फ्रॉग था, तरु वो जब जंप लेता है तो 1 इंच जंप में वो 3 नंबर को कवर करता है, तो ये भी हमने देखा था। और उसके बाद वही 7 नंबर के लिए और 4 नंबर के लिए भी हमने देखा था। आज हम पहले अगर हमने 30 वहाँ से स्टार्ट करते हैं तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में वर्क पेज नंबर अगर हमें 30 ओपन कीजिए, वहाँ पर है स्टिक प्ले यानी जो मैच बॉक्स में तिले आती है उसकी गेम बनाइए आप। तो कि मिथू हैज सम स्टिक, मिथू के पास कुछ स्टिक थी। सी अरेंज द लाइक दीज, उसने क्या किया वो जो सभी स्टिक थी उसे अरेंज करके पैटर्न बनाए जो तुम्हें अपनी ड्राइंग में दिखाई दे रही है। वन टाइम ऑफ 5, उसने पहले कितनी तिले ली, वन टाइम में 5 तिले, यानी पहले 5 तिले का यूज किया और उसने बनाया था। वन टाइम ऑफ 5 यानी 1 5 जा 5। उसके बाद टू टाइम्स ऑफ 5 यानी 2 5 जा 10, टू टाइम्स ऑफ 5 यानी 2 टाइम ऑफ 5 मीन 10। नेक्स्ट 3 टाइम ऑफ 5 यानी 3 बार 5। उसके बाद 4 टाइम ऑफ 5। तो बच्चों उसने इसी तरह तिलियों को इकट्ठा करके न्यू पैटर्न बना दिया। तो देन सी काउंट हाउ मेनी टाइम हैज टी वेयर क्रॉसिंग इज देयर, सी फाउंड दैट, यानी कि उसने क्या कहा कि जो आप भी इसी तरह तिलियां गिन सकते हैं एक दूसरे को काटती, यानी वो तिलियां दे अपने देखी पहले 5 सेट की, फिर उससे उसने टच करके दूसरी 5 सेट की, इसी तरह के आप ये काउंट कर सकते हो कि मैंने कितनी तिलियां यूज की है, यानी 4 गुना। तो कि 4 टाइम ऑफ 5 यानी कितनी हो गई, यानी कि मैंने 1 टाइम ऑफ 5, 2 टाइम ऑफ 5, 3 टाइम ऑफ 5, इसी तरह आगे 5 तिलियां में यूज करते, तो कितनी हुई 4 टाइम ऑफ 5 यानी कितनी 20 तिलियां मैंने यूज की है। तो बच्चों इसी तरह आगे नेक्स्ट तुम्हें 2 टाइम का टेबल कंप्लीट करना है। लेट्स ट्राई मेकिंग 2 टाइम टेबल विद स्ट्रीक, यानी आपको ये स्ट्रीक का यूज करते करते आगे 2 का टेबल कंप्लीट करना है, यानी यहाँ पर पहले 2 तिलियां कवर हुई, फिर से आगे 2, यानी यहाँ पर 1 ऑफ 2 = 2, फिर दोबारा यहाँ पर दोबारा 2 ऑफ 2 = 4, फिर 2 तिलियां बार 3 बार, तो फिर 3 बार ऑफ 2 = 6। उसके बाद यहाँ पर तीसरी तिलियां यानी कितनी बार 4 बार 4 ऑफ 2 = 8, यहाँ पर 5 बार यानी 5 ऑफ 2 = 10, फिर नेक्स्ट कितनी क्रॉस है 6 ऑफ 2 = 12। उसके बाद यानी ये जो तिलियां क्रॉस होती है बच्चों 7 ऑफ 2 = 14। नेक्स्ट 8 ऑफ 2 = 16, फिर नेक्स्ट यहाँ 9 टाइम, ओके 9 ऑफ 2 = 18, लास्ट में बच्चों इससे आगे 10 टाइम यानी 10 टाइम ऑफ 2 = 20। तो बच्चों ये जो टेबल कंप्लीट हुआ वो किसका है, 2 का टेबल इसी तरह कंप्लीट होता है। तो ये जो आंसर है आप आपके टेक्स्ट बुक में फिलिंग द ब्लैंक्स है, जैसे कि 4 2 = 5, 5 टाइम ऑफ 2 = 6, तो ये जो आंसर है आप उसमें से लिख दीजिए। अब नेक्स्ट पेज नंबर 131, नाउ डू स्टी टू मेक द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 6, यानी आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है 6 तिली वाला और यहाँ पर 6 का जो टेबल है वो आपको फिलअप करना है।
चार सिक्स, आपको इसी तरह तीजा लेते जाना है और ये जो सिक्स का टेबल है वो कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट टाइम सिक्स टाइम ऑफ टू क्या होगा, ट्वेल्व, सिक्स टाइम यानी सिक्स टाइम ऑफ थ्री
टाइम दिया हुआ है। कंप्लीट द फॉलोइंग, यानी यहां पर जो दिया हुआ है उसे आपको कंप्लीट करना है। तो बच्चों पहला है टेबल है कुछ, फास्टली आप कंप्लीट करो उसे। बच्चों सेवन क्वेश्चन है, लुक एट द पैटर्न एंड कंप्लीट थीम, यानी ये पैटर्न जो है आपको देखनी है और उसे आगे को कंप्लीट करना है। तो बच्चों यहाँ पर ये इसी तरह की पैटर्न है जो हमने देखा था, तो जो फ्रॉग है वो जंप लेता था, वो पहले 0 से 3 का मन बनाएगा, फिर 3 से 6, 6 से 9, यानी वो 3 का टेबल है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, फिर 3 4 12, 3 5 15 और 3 6 18। तो बच्चों ये जो हमारी पैटर्न फिलअप हुई, यानी हमें टेबल का यूज करना होगा। फिर ये 2 की बात है, तो 2 फिर 2 से 2 जब यानी 2 2 4, फिर 3 यानी 2 2 3 6, तो 2 4 8, 2 5 10 और 2 5 12। इसी तरह बच्चों आप 10 का टेबल है, 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40, 10 5 50, 10 6 60। यहाँ पर 4, यानी 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24। अब नेक्स्ट 5 का टेबल, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 20, 5 4 5, 4 20। फिर नेक्स्ट यानी यहाँ 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 5 6 30। अब नेक्स्ट यहाँ पर 30 की गैप है, 30 से 60, 60 से 90, 120,
बच्चों ये 3 का टेबल हम कह सकते हैं, बस उसके पीछे हमने 0 यूज किया है। 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 9 3 5 15 6 6 18 5 उसके बाद यहां पर 13 0 है, तो सब में 0 हमने ये। तो बच्चों ये भी आप लिख लीजिए अपनी टेक्स्ट बुक में। अब उससे आगे क्वेश्चन नंबर सी, कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन ट्री। बच्चों यहाँ पर एक ट्री दी हुई है, उसमें मल्टीप्लिकेशन आपको करने हैं। तो एक जो है वो मैं तुम्हें सिखा दी, बाकी क्या आपको करने हैं। यानी 18 कौन से कौन से टेबल में आते हैं, 3 का कंप्लीट करो, 3 6 जा 18, तो 3 6 जा और 6 3 जा या फिर 9 2 जा और 2 9। तो बच्चों ये जो फैक्टर ट्री तुम्हें दी हुई है, सॉरी टोटल ट्री, मल्टीप्लिकेशन ट्री बोलते हैं उसे, तो ये सब जो ट्री है वो आपको अपने से कंप्लीट करनी है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट पेज, हाउ मेनी इट ऑल, यानी कुल कितने होते हैं ये आपको बताने। तो बच्चों ये सिंपल मेथड है, पहला है द अलमारी हैज फोर शेल्वेस, देयर आर 5 बुक इन ईच सेल्फ, हाउ मेनी बुक आर इन द अलमारी। यानी कि एक अलमारी है जिसमें 4 शेल्व है, यानी 4 बॉक्स, यानी हम बोलते हैं गुजराती में खाने, तो 4 खाने हैं और उसमें एक खाने में 5 बुक्स हैं, तो यहाँ पर टोटल कितनी बुक होगी, अलमारी के कितने खाने, 4 और एक में 5 बुक्स, क्योंकि 4 टाइम ऑफ 5 यानी 20 बुक्स होगी। अब सेकंड है अ शर्ट हैज अ 5 बटन्स, हाउ मेनी बटन विल 3 शर्ट हैव, यानी एक शर्ट के 5 बटन है, तो यहाँ पर 3 शर्ट के कितने होंगे, 3 बटन का वेट 5 इज इक्वल टू 15, कितने होंगे 15। फिर नेक्स्ट देयर आर 4 फैन, ईच फैन हैज 3 ब्लेड, यानी यहाँ पर 4 फैन, फैन मींस पंखा है, उसमें एक फैन में 3 ब्लेड्स है, व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ ब्लेड इन ऑल, तो टोटल कितनी ब्लेड होंगी, तो कितने फैन है, 4 फैन और एक में 3 ब्लेड, तो क्या होगा 4 3 12, यानी टोटल कितनी ब्लेड होगी, 12 ब्लेड्स। अब नेक्स्ट, अ बॉक्स कंटेन 6 एप्पल, यानी बॉक्स का एक कंटेन है उसमें कितने एप्पल है, 6 एप्पल, तो क्या हाउ मेनी एप्पल इन ऑल 7 बॉक्सेस हैव, 6 एप्पल है और कितने बॉक्स, 7 बॉक्स, तो टोटल कितने एप्पल होंगे, 42, यानी 42 एप्पल होंगे। अब नेक्स्ट, हाउ मेनी कॉर्नर वुड फॉर ट्रायंगल हैव, यानी यहाँ पर एक ट्रायंगल है कि जिसके, हाउ मेनी कॉर्नर वुड फॉर ट्रायंगल हैव, यानी ट्रायंगल के कॉर्नर आपको ढूंढने हैं। तो बच्चों हमें याद है कि ट्रायंगल के कितने कॉर्नर हैं, टोटल 3 कॉर्नर होते हैं ट्रायंगल के, ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके कितने कॉर्नर, 1 2 एंड 3, तो 3 कॉर्नर और ट्रायंगल कितने, 4 ट्रायंगल है, तो क्या होगा 4 3 का, यानी टोटल कितने कॉर्नर, 12 कॉर्नर। अब नेक्स्ट ई, सम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स, यानी यहाँ पर कुछ मल्टीप्लिकेशन दिए हुए हैं जिसको आपको कंप्लीट करना है।
बच्चों यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, तो हम क्या करें, कोई भी एक नंबर लिख देंगे और उसका एडिशन कर देंगे, तो यहाँ पर 9 का यूज करते हैं, तो कि 3 9 = 27। अब यहाँ पर हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका मल्टीप्लिकेशन 42 होता है, तो क्या होगा, 6 के टेबल को याद करो, 6 6 = 36 6 7 = 42। अब नेक्स्ट, यहाँ पर 5 दिया हुआ है बट मल्टीप्लीकेशन भी खा लिया और आंसर भी खा लिया, क्योंकि हम आप 6 का ही है, 5 6 = 30। अब यहाँ तो पूरी ब्लैंक से तुम्हें जो चाहे तुम लिख सकते हो, जैसे कि हम 2 9 का लिखे तो यहाँ पर आएगा 18, या फिर कुछ और भी लिख सकते हैं, या 2 × 35 यानी 5 के टेबल में 35 कहाँ आते हैं, 5 7 = 35। अब 6 की टेबल में 36 या 10 का है, तो उसके साथ कोई भी नंबर को मल्टीप्लिकेशन करना है, आंसर में लिखना है, हम फॉर लेते हैं, तो फिर 10 = 40। फिर 9 के टेबल में 36 9 = 36 और लास्ट में 7 के टेबल में 28 7 = 28। तो बच्चों ये जो फिलिंग का ब्लैंक्स है वो आप अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर दीजिए। तो आज बच्चों हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट उससे आगे देखेंगे, थैंक यू बच्चों।